हेलो एवरीवन, आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि अगर सूट का गला बड़ा बन जाता है तो उसे छोटा किस प्रकार करें। देखिए, यह हमारा सूट है, गोल गला बना हुआ है। इसमें इन्हें यह इस गले की लंबाई 8 इंच है, इन्हें यह 1.5 इंच कम कराना है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। इस सूट में से बचा हुआ यह थोड़ा सा ही कपड़ा है और यह इसकी पैंट थी, इसमें से यह कपड़ा बचा हुआ है। तो इनसे हम कुछ डिज़ाइन बना देंगे जिससे कि यह छोटा हो जाएगा। इसके लिए इस कपड़े को पहले गले के अंदर रख लो, देखना है कि कितने कपड़े की ज़रूरत है। देखिए अच्छी प्रकार, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर, नीचे के साइड भी कपड़ा होना चाहिए यहाँ पर भी। अब हमें पता चल गया है कि हमें कितना कपड़ा चाहिए, यहाँ पर निशान लगा लो। थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले इस कपड़े को बीच में से फोल्ड कर कट का निशान लगा दें। यह बीचों बीच इसका बीच हो जाएगा, तो इसी में से सीधी तरफ निशान लगा लेते हैं। कोई डिज़ाइन, कैसा डिज़ाइन बनाना है, इसमें आप कट का भी इस प्रकार डिज़ाइन बना सकते हैं या बिल्कुल सिंपल भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इन्हें बिल्कुल सिंपल बनाना है। तो देखिए, यहाँ से नीचे से 2 इंच का निशान लगा लें और ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएं। इस निशान को इस प्रकार मिला दें। इस निशान के ऊपर कटिंग कर दो। कटिंग हो चुके हैं। कटिंग करने के बाद इस कपड़े को इस कपड़े के ऊपर रखेंगे। देख लेते हैं किधर सेट होगा। इस प्रकार थोड़ा मार्जिन नीचे रखना है और थोड़ा मार्जिन ऊपर, क्योंकि यह कपड़ा हमारे पास कम था तो यह तो कम ही लिया है, लेकिन नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा लेंगे। इसी शेप में कटिंग करनी है। दोनों कपड़ों को एक साथ मिलाकर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर छोटे छोटे कट काट दें। कपड़े को इस प्रकार पलट देना है। अगर कपड़े को इस प्रकार मिलाएंगे तो डिज़ाइन इस तरह निकलेगा, लेकिन अगर आप इसमें पाइपिंग भी निकाल सकते हैं। इसको इस प्रकार थोड़ा सा नीचे की तरफ रखें और यहाँ पर यह वाली पाइपिंग बन जाएगी साथ के साथ ही इस प्रकार। तो जितनी मोटी आपको पाइपिंग निकालनी है उतना कपड़ा दिखाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। नीचे वाले कपड़े पर सफाई से सिलाई लगानी है। सुई अंदर रखेंगे यहाँ पर। इस कपड़े को इसके अंदर रखना है, बीच का जो निशान है इसके बीचों बीच रखेंगे। देखिए किस प्रकार। इस प्रकार अच्छी तरह से सेट कर लें। अब यहाँ पर निशान लगा लें। आप यहाँ पर पिन भी लगा सकते हैं दोनों साइड, जिससे कि यह नहीं हिलने का। इसके बाद इसे मशीन पर ले जाकर सिलाई लगा देंगे। देखिए निशान पर अच्छी तरह पकड़ते हुए कपड़े को सिलाई लगानी स्टार्ट करेंगे। गोलाई पर धीरे धीरे रोकते हुए सिलाई चलाते हैं। आप चाहे तो इस सिलाई को यहाँ तक भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल यहीं पर रखूँगी। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरे गले का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।